सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट मूवीज और अन्य अपडेट के लिए। आई मीन बहुत एक्साइटेड। आई थिंक बाकी ऐसी फ्रेंचाइज है जहाँ मुझे रैम्बो की याद दिलाती है एंड आई डोंट थिंक टाइगर हैज लुक्ड बेटर, लुकिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा था कि यू नो अनडाउटेडली कह सकते हैं कि देर इज अकी ऑफ कोर्स ऑन वन साइड एंड देर इज टाइगर ऑन द अदर। सो आई थिंक ही इज द न्यू एक्शन हीरो दैट द इंडस्ट्री was lacking for a long time, you know, and I think it's Tiger Shroff. सबसे सिंसियर एक्टर है, सबसे सिंसियर बच्चा है वो, और आई थिंक पहली फिल्म देखने के बाद भी मैंने यही कहा था कि नॉट ओनली इन इंडिया आई थिंक ही इज अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड। आई थिंक बहुत ही खराब और बहुत ही एक बहुत ही ख़राब मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो बच्चे जो पढ़कर यू नो वो डिस्टिंक्शन हासिल करते हैं उन पे बहुत अनफेयर है, बट लकीली मालूम किया गया तो आई थिंक समथिंग शुड बी डन अबाउट इट एंड विल बी डन अबाउट इट। एक सवाल और कि अक्षय कुमार ने आज एक तस्वीर डाली आपके साथ, क्या हीरा फेरी की अगली सीक्वल आ रही है? आप आई थिंक अक्षय से मैं मिलने गया था ऐसे ही दोस्ती में और वो एक फ़ोटो छपा है, बट रिएक्शन देख के तो लगता है कि हेरा फेरी आनी चाहिए, अभी देखते क्या होता है। साजिद भाई उसी बिल्डिंग में रहते हैं और वक्त हमारा हमने साथ किया था तो ऐसे ही मस्ती के लिए हम साथ मिले, और साजिद भाई ऐसे भी आन को भी लॉन्च कर रहे तो मेरे लिए भी अपना घर ही है तो इसलिए हम मिले थे। यू नो मैम मेरा मानना है कि लेट टैलेंट रिमेन टैलेंट, लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो वैसे ही रहने दिए। हमारा दिल बड़ा है, वी आर इंडियंस और हमारा दिल हमेशा बड़ा रहेगा, और अतिथि देवो भव अगर कोई किसी के दिल में है तो शायद इंडियन से बढ़कर कोई और नहीं है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। चालू होना थैंक यू सर थैंक यू।